वेलकम माय डियर स्टूडेंट, फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस के लिए है। और ये टॉपिक जो है, इसके पहले मैंने पढ़ा था फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, आवाज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये आपके पढ़ने हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ ये हायर मैथमेटिक्स में जो भी BSc, MSc या फिर नेट, गेट, IIT जैम, इस तरह से अनेक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो अगर जो विद्यार्थी इस सीक्वेंस एंड सीरीज का पहली बार ये पढ़ रहे हैं, तो इसको प्लेलिस्ट में और भी इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, उसको अच्छा से थोड़ा देख लीजिए ताकि ये फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और इसका क्या है स्टेटमेंट और क्या है कंडीशन इसके बारे में, चलिए तो देखते हैं। चलिए देखिएगा कुछ स्टेटमेंट है। लेट द फंक्शन fx वी डिफाइन बाई fx इक्वल टू f1x, यहां पे जो दिया हुआ इंटरवल c से बड़ा और x0 से छोटा, फिर क्या है x0 यानी f2x x0 से बड़ा और c प्लस 2 पाई से छोटा, यानी ये इंटरवल ओपन इंटरवल का टर्म है जिसमें मैंने यहाँ पे टर्म सेट किया है, क्या कि एक फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, इंटरवल जो दिया हुआ है सी से बड़ा और एक्स नॉट से छोटा, यानी फिर एक्स नॉट से बड़ा, यानी यहाँ पे क्या है कि एक्स नॉट से स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्स नॉट से बड़ा से स्टार्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एक कंडीशन जो है कुछ पॉइंट को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है और c प्लस 2 पाई से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये कंटिन्यूअस में क्या है कि पहले अगर पढ़े होंगे 11 12 क्लास में कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जिसका ग्राफ कंटिन्यू जाओ, ठीक है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन, और जिस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यू नहीं गया हो, कुछ पॉइंट छोड़कर आगे बढ़ा है, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस टर्म में आएगा। तो जरा इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बनाकर दिखाते हो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर, ग्राफ के माध्यम से देखिएगा। देखिए मैंने इसमें क्या क्या है ग्राफ में कि अगर कोई फंक्शन है f1 जो यहां से यहां तक के टर्म ग्राफ बना है, फिर ये छोड़ करके फिर क्या है ये ग्राफ f2 जो है यहां से बना है। तो ये जो ग्राफ का जो टर्म दिख रहा है यहां से छोड़ करके आगे का टर्म बन गया है, तो ये फंक्शन ही ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि जिसका ग्राफ थोड़ा छोड़ छोड़ कर आगे अगर बढ़ रहा है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आएगा। क्योंकि देखिए ना कि फर्स्ट फंक्शन यानी f1 फंक्शन जो है a से b तक गया, लेकिन यहां ओपन इंटरवल का टर्म है। फिर देखिए यहां पे c से d तक गया सेकंड फंक्शन, ये f2 फंक्शन जो मेरा है यहां भी ओपन इंटरवल है। तो जो ग्राफ का टर्म बन रहा है ना वो क्या है, ओपन इंटरवल का टर्म बन रहा है, यानी कुछ टर्म छोड़ करके आगे बढ़ रहा है, तो वो फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का टर्म हुआ, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है अगर ग्राफ कंटिन्यू गया हो तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन जो ग्राफ छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ा हो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चलिए तो ये रहा डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ और इसका कुछ स्टेटमेंट जो हम सामने अभी लिखेंगे, चलिए जरा देख लीजिए इसका भी। देखिए लिखे वेयर एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल सी प्लस 2 पाई, यानी देखिए मेरा इंटरवल जो है सी से स्टार्ट हुआ है और सी प्लस 2 पाई तक गया है, जिसमें से वो सी से सी प्लस 2 पाई तक गया, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है क्योंकि सी से एक्स नॉट तक गया है, ठीक है, एक्स नॉट तक गया नहीं उसके पहले तक गया है, और एक्स नॉट के बाद से टर्म सी प्लस 2 पाई, तो ये फंक्शन जो है ना वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के फॉर्म हो गया, यानी ये फॉर्म एक्स नॉट का जो फॉर्म है वो छोड़कर आगे बढ़ गया है। जब छोड़कर आगे बढ़ा है तो फंक्शन का टर्म क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस टर्म है, यानी सी से सी प्लस 2 पाई का जो पॉइंट है, जो इंटरवल का टर्म सेट कर रहा है वो डिसकंटिन्यूटी का टर्म में इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इन सच, देखिए इन सच केस आल्सो वी ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर fx इन यूजुअल वे, फिर लिखे द वैल्यू ऑफ x0
एक्स एन एंड बी एन आर इवेल्युएट। y evaluated y, देखिएगा x नॉट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। x नॉट के लिए 1 upon pi इंटीग्रेशन c x नॉट f1 x इंटू डी एक्स प्लस x नॉट c प्लस 2 pi f2 x dx, राइट। ये x नॉट का फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से bn का, bn से पहले n का देखिएगा, n के लिए क्या है 1 upon pi। देखिए जो इंटरवल है c से x नॉट, x नॉट से c प्लस 2 x, वैसा ही इसमें भी करेंगे c से x नॉट और f1 x cos nx dx प्लस इंटीग्रेशन x नॉट c प्लस 2 पाई f2 x cos nx dx, राइट। सिमिलरली bn इक्वल्स टू 1 upon pi इंटीग्रेशन सी एक्स नॉट एफ वन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट सी प्लस टू पाई एफ टू एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया क्या, एक्स नॉट का फॉर्मूला ए एन का और बी एन का जो लिमिट सामने दिया हुआ है, क्लियर। इसका एक फोरियर सीरीज का फॉर्म लिखेंगे मिटाने के बाद। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखिए एंड द फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज का फॉर्म लिख रहे हैं एंड द फोरियर सीरीज Fourier series is fx equals to a naught y 2 plus summation of n equals to 1 to infinite a n cos nx plus summation of n equals to n equals to 1 to infinite bn sin nx। ये फोरियर सीरीज का मेन फॉर्मूला हो गया, जिसमें मैंने अभी बताया क्या a नॉट निकालने का ये सामने फॉर्मूला, an का भी ये सामने दिख रहा है और bn का भी सामने दिख रहा है, और सभी का वैल्यू निकालने के बाद इसमें हम पुट कर लेंगे, जो आएगा फॉर्म वही फॉर्म फोरियर सीरीज का टर्म होगा, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका एक कुछ नोटेड पॉइंट भी टर्म हम बताते हैं, इसको नोट करने के बाद पूरा मिटाते हैं। चलिए थोड़ा सा नोटेड पॉइंट की ओर चलते हैं। नोट नोटेड नंबर फर्स्ट, इफ, चलिए चलिए, इफ x equals to x naught is the point of discontinuity, then the sum of the Fourier series 1 by 2 equal to 1 by 2 limit h tends to 0 if x naught minus h plus limit h tends to 0 if x naught plus h, यानी ये हो गया लेफ्ट हैंड का और ये हो गया राइट हैंड का, जिसमें लिमिट का फॉर्म डिसकंटिन्यूटी के लिए इस फॉर्म को हम सेट करें, जरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम लिमिट पुट करना चाहेंगे तो देखिएगा 1 बाई 2 लिमिट h अगर पुट करते हैं तो f x नॉट माइनस 0 और इसमें भी लिमिट f
एक्स नॉट प्लस जीरो, और इस लिमिट का फॉर्म को हम एक नया फंक्शन के रूप में हम नाम दे सकते हैं, क्या कि इस फंक्शन का नाम लेफ्ट के लिए हम एफ बी नाम देते हैं और राइट वाला का नाम देते हैं एफ सी नाम देते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने एक फॉर्म में एफ बी फंक्शन और एफ सी फंक्शन, लेफ्ट और ये राइट का। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एक्स नॉट जिस पॉइंट के लिए है उसका सम, सम ऑफ द फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? नोटेड पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर देखते हैं, सेकंड का क्या टर्म है उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। देखिएगा सेकंड पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फोरियर सीरीज गिव्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट लिमिट at the point of discontinuity at x equals to 0, fx equals to 1 by 2 fc minus 0 plus fc plus 0। यानी एक चीज पढ़े होंगे arithmetic mean के लिए, क्या कि a half a plus b by 2 का form, arithmetic mean के लिए a plus b by 2 का form। तो यहाँ पे left और right का, left and right का arithmetic mean का form यहाँ set किया है, इतना प्लस इतना वाई टू का फॉर्म जो डायरेक्ट यहां सेट किया गया है। ठीक है, ये फोरियर सीरीज का फॉर्म के लिए एफ सी माइनस जीरो, ये क्या हो गया लेफ्ट का फॉर्म, सी प्लस जीरो राइट का फॉर्म, दोनों को ऐड किया और हाफ से डिवाइड कर दिया। तो ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला से ही पढ़ते होंगे, क्या देखिएगा कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे कभी ए प्लस बी वाई टू का फॉर्म के लिए। ठीक है, तो उसी लेफ्ट और राइट का सम के आधा कर देना है, वही आ गया फोरियर सीरीज का फॉर्म डिसकंटिन्यूटी फॉर्म के लिए। चलिए, तो ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का मैंने दो नोटेड पॉइंट बताया। पहला नोटेड पॉइंट बताया कि सम ऑफ द फोरियर सीरीज, यहां लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का फॉर्म बनाया, और यहां अर्थमेटिक मीन के साथ फोरियर सीरीज का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के लिए एफ सी माइनस जीरो एंड एफ सी प्लस जीरो का हाफ टर्म जो सामने दिख रहा है। अब ये जो मैंने थ्योरी दिया है डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के लिए, इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, और क्लियर भी होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम चलते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस फाइव और माइनस पाई से जीरो और एक फंक्शन एक्स है जो जीरो से क्या है पाई है। अब जरा सोचिएगा कि ये कैसा पता करेंगे कि ये फोरियर सीरीज में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का फॉर्म है। फिर इसी में लिखें डिड्यूस दैट वन बाई वन स्क्वायर वन बाई थ्री स्क्वायर प्लस वन बाई फाइव स्क्वायर डॉट 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 पाई स्क्वायर बाई एट। तो ये फंक्शन का जो फॉर्म है, अगर हम सोच रहे हैं कि यहां पर जीरो से छोटा और यहां पर जीरो से बड़ा का फॉर्म, तो जाहिर सी बात है कि ये डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन का इंटरवल टर्म सेट कर रहा है क्योंकि पॉइंट छोड़कर आगे बढ़ रहा है। तो पहले हम इस फंक्शन में हम फोरियर सीरीज निकालते हैं, उसके बाद हम ये भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी इसमें दो दो टर्म मैंने सामने दिया है, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते जरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा बिनो डाइट। फोरियर सीरीज इज, पहले तो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट वाई टू प्लस समेशन ऑफ ए इक्वल्स टू वन टू इन्फिनाइट ए एन cos nx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू वन टू इन्फिनाइट बी एन साइन एन एक्स और एफ एक्स बराबर जो फंक्शन जो सामने दिया हुआ है, राइट right? चलिए तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, और इसमें सबसे पहले हम a नॉट निकालेंगे, फिर n निकालेंगे और bn निकालेंगे। तो पहले एक एक करके हम निकालते हैं, जरा देखिएगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व टू ए नॉट फॉर्मूला वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है
कि फर्स्ट इंटरवल माइनस पाई से जीरो एफ एक्स, एफ एक्स का फर्स्ट टर्म कितना दिया है माइनस पाई डी एक्स इंटीग्रेशन, फिर सेकेंड जो है इंटरवल जीरो से क्या है पाई और इसका फंक्शन है एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन में लिखवाया था कि यहाँ एफ एक्स होगा, ऐसे हम ऐसा करते हैं कि इसका हम टर्म लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा ऐसे करके। यहाँ पे पॉइंट जो है एफ एक्स डी एक्स हो गया, मैंने लिखा था यहाँ पे सी एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट सी प्लस टू पाई एफ एक्स एफ वन एक्स यहाँ एफ टू एक्स डी एक्स, यही इसका फॉर्मूला था। इसमें हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, देखिए वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से जीरो माइनस पाई इंटू डी एक्स और फंक्शन देखिएगा यहाँ फंक्शन एक्स है एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ पे लिमिट है जीरो से पाई, जीरो से पाई राइट। अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, देखिए पहले तो वन अपॉन पाई रहने देते हैं और एक टर्म है क्या कि ये माइनस पाई कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देते हैं और यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, वैसा ही एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा क्या एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट क्या हो गया जीरो हो जाएगा। इस फॉर्म को आप सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा वन अपॉन पाई और यहाँ पे क्या है माइनस पाई, एक बार अपर जीरो और माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई राइट। फिर देखिएगा यहाँ भी पुट करेंगे, ये दो बाहर कर दिया, एक बार अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट जीरो, जो ये पहले भी पढ़ चुके हैं सब सारा कहानी। तो अब इस फॉर्म के लिए हम लिख सकते हैं, देखिएगा वन अपॉन पाई है और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू इस फंक्शन के लिए, जिसको हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो वन अपॉन पाई और इसका आ जाएगा क्या इसका टू माइनस टू पाई स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन का फॉर्म में वन अपॉन पाई और माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, पाई से पाई कैंसिल होगा इसका कंप्लीट माइनस पाई बाई टू आ गया, यानी ए नॉट का वैल्यू माइनस पाई बाई टू आया जो सामने दिख रहा है। अगर जहां पे डॉट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां पे ये फॉर्म में फॉल्ट है ठीक है, और बाकी अगर क्लियर है तो जरा लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है, समझ में आएगा भी। इसका जो भी हम थ्योरी दिए हैं इस सीक्वेंस एंड सीरीज का, उस अगर जो विद्यार्थी को छूट गया है इसका हम प्लेलिस्ट में पूरी कहानी हम डाल दिए उसको देख लीजिएगा। चलिए तो मैंने ए नॉट निकाला है, अब जरा हम ए एन निकालते हैं पूरा मिटाने के बाद ठीक है। ए एन देखिएगा, ए एन के लिए, ए एन के लिए क्या है वन अपॉन पाई, पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, फिर यहां क्या हो गया इंटीग्रेशन एफ वन कॉस एन एक्स डी एक्स, यहां पे लिमिट लिख देते हैं वही लिमिट, ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं सी एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट सी प्लस टू पाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सभी थ्योरी लिखा है और जो भी थ्योरी हम दे रहे हैं उसकी पूरी प्रक्रिया हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए उसका यूज करते हुए क्लियर कर रहे हैं। देखिएगा अब कैसे सेट करके जरा देखना है, सी मेरा क्या है माइनस पाई और जीरो, माइनस पाई से लेकर के जीरो तक जाएगा और एफ वन एक्स है माइनस पाई और कॉस एन एक्स डी एक्स, फिर इसमें वही सही आई एक्स नॉट है जीरो और यहां पाई तक गया, एफ टू मेरा एक्स है और कॉस एन एक्स डी एक्स। देख लेंगे यहां तक तो किसी प्रकार का डॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी प्रक्रिया पूरी कहानी हम टर्म सेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, यहां पे इंटीग्रेट कर देते ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा, इसका तो बाई पार्ट पर बन जाएगा लेकिन यहां पे नहीं, यहीं पे कर देते हैं लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट।
पहले तो कॉन्स्टेंट टर्म को मैंने बाहर कर दिया, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन एन पाई, और उसका कोफिशियंट नीचे लिखाएगा एन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहां भी जरा देखिएगा, यहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्म कैसे करना है इसके बारे में देखिए। इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, फिर इस फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं u इंटू वी, और मैंने बताया था u वी का इंटीग्रेट, जो नीचे हम डैश देंगे वो इंटीग्रेशन किया हुआ रहेगा, ऊपर जो डैश देंगे वो डिफरेंशिएशन रहेगा। ध्यान रखिएगा, वी टू प्लस यू डबल डैश और वी थ्री, नीचे का जो फॉर्म है इंटीग्रेशन के लिए इंडिकेट किया गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिएगा, यहां पे क्या करना है, u है तो मेरा x है, ठीक है, और cos है तो cos का इंटीग्रेशन मेरा होता है sin nx, क्योंकि ये अलजेब्रिक हो गया और ये ट्रिमेट्रिक हो गया, ये sin, राइट, माइनस, फिर देखिए x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 हो जाएगा, और इसका डबल इंटीग्रेशन, यानी इसका डबल इंटीग्रेशन, तो एक इंटीग्रेशन कर चुके हैं और एक और करेंगे, तो साइन का माइनस कॉस और माइनस कॉस करें, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट मेरा एन है, तो एन एक पहले से एक और एन आएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर देखिए यू डबल डैश, यानी इसका डबल डीसी करना होगा, यानी एक्स का हम एक बार डीसी किए तो वन आएगा, एक बार और करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे इसका एक, एक इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी, तो सब इधर जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म में हम एक टर्म क्या सेट करते हैं कि इसका लिमिट जो है पाई हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा इसका लिमिट का प्रोसेस हम सेट करते हैं, वन अपॉन पाई, ये माइनस पाई है और एन को भी बाहर कर दे रहे हैं, तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पी एन या एक्स है, एक्स एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे एक्स के स्थान पे, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो देखिएगा साइन एन माइनस पाई, राइट, प्लस फिर इसमें भी वैसा ही काम करेंगे, एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे कैसे, जहां जहां मेरा एक्स रहेगा तो पाई पुट करते हैं, यहाँ पाई हो गया साइन एन पाई वाई एन माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी कॉस एन पाई वाई एन स्क्वायर, और जीरो पुट करते हैं तो ये तो पूरा सिस्टम जीरो कर देगा ये वाला, क्योंकि एक्स यहाँ जीरो है तो जीरो हो जाएगा, और जीरो पुट करेंगे तो इसका तो वैल्यू वन आ जाएगा, ठीक है, तो जीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, यानी माइनस वन का फॉर्म, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, ये माइनस रह जाएगा तो एन स्क्वायर का टर्म, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ वन अपॉन पाई है जो है और ये माइनस पाई है और इसका तो वैल्यू जीरो आ जाएगा, एक मिनट जरा देखिएगा, डायरेक्ट हम टर्म सेट करते हैं, चलिए तो इसमें हम एक चीज है कि इसको हम डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं, इस फॉर्म का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा, एन पाई साइन एन का पाई का वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है, और इसका होता है माइनस वन के पावर एन, माइनस वन के पावर एन, ये तो है जरा डायरेक्ट देखिएगा इसका फॉर्म के लिए, तो ये जीरो हो गया ठीक है, और प्लस फिर ये भी जीरो फॉर्म में आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा माइनस वन के पावर एन और एन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस आ जाएगा वन वाई एन स्क्वायर, राइट। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा कहानी खत्म, सिर्फ यही दोनों बचेगा जो लिख रहे हैं, वन अपॉन पाई और एलसीएम का फॉर्म एन स्क्वायर हो गया माइनस वन के पावर एन माइनस वन, तो ये हो गया ए नॉट का वैल्यू जो सामने दिख रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन के पावर एन माइनस वन और पाई एन स्क्वायर, ए नॉट आ गया। अब सिमिलरली बी नॉट निकालते हैं, बी नॉट का फॉर्म भी ऐसे ही निकालेंगे, जरा देख लेते हैं बी नॉट कैसे निकलेगा, नेक्स्ट बी नॉट नहीं ए एन निकाले हैं तो बी एन निकालना हुआ, देखिए बी एन का फॉर्मूला, बी एन के लिए वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन सी टू एक्स नॉट एफ वन साइन एन एक्स डी एक्स प्लस
एक्स नॉट सी प्लस टू पाई एफ टू एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इस फॉर्म के लिए हम एक टर्म तो हम सेट कर सकते हैं जरूर, क्या सेट कर सकते हैं कि ये हो गया माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो एफ वन, एफ वन का यहां फंक्शन माइनस पाई साइन एन एक्स डी एक्स, और यहां पे एक्स नॉट जो यहां क्या हो गया जीरो और ये हो गया पाई, और एफ टू यानी एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। पहले तो ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और एन एक्स का कॉफिशियंट यहाँ एन, अपर लिमिट जीरो और लोअर लिमिट माइनस पाई। वैसा ही जरा देखिएगा, इसमें जरा देखिएगा, पहले तो यहाँ यू इंटू वी, ये हो गया जबरिक यू का फॉर्म, और ये हो गया वी का फॉर्म, यू टू वी के लिए सामने लिखा हुआ है, तो जरा देखिएगा एक्स यू हो गया, यू के लिए कुछ नहीं करना है, वी यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस एन एक्स बाई एन आ जाएगा कॉफिशियंट, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है तो वन आ जाएगा, फिर इसका एक बार और इंटीग्रेट करना है यानी इसका डबल बार इंटीग्रेट करना है, तो माइनस साइन एन एक्स और एक एक कॉफिशियंट एन, तो एन स्क्वायर हो जाएगा राइट, प्लस इसका फिर डिफ्रेंसिएशन करना है तो जीरो आ जाएगा, यानी इधर सभी पार्ट क्या आएगा जीरो आ जाएगा, और इसका लिखेंगे अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट जीरो का फॉर्म। अब जरा इसमें देखेंगे क्या है, वन अपॉन पाई तो फंक्शन फिक्स है, माइनस पाई माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, और वाई एन एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे कॉस एन पाई जीरो माइनस, और लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई, तो कॉस एन माइनस पाई राइट। अब इसके बाद जरा देखेंगे, ये तो इस फंक्शन के लिए हो गया, अब इसका भी जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें भी क्या पुट करते हैं एक बार पाई पुट कर देंगे, जहां मेरा एक्स है कॉस एन पाई वाई एन माइनस माइनस प्लस, यहां भी साइन एन पाई वाई एन स्क्वायर, और माइनस जीरो पुट करते हैं तो देखिएगा जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स मल्टीपल में है तो एक्स का स्थान पर जीरो पुट करना है जीरो, माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, और साइन एन इंटू जीरो क्योंकि एक्स मेरा यहाँ पे जीरो पुट करना है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट का कहानी पुट हो गया। अब इसके बाद सोल्यूशन करते हैं जरा देखिएगा, और अब यहाँ पे क्या है कि पाई है एन है, और कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, और कॉस में माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन कॉस एन पाई का वैल्यू माइनस वन के पावर एन होता है, माइनस वन के पावर एन, जो सभी को पता है मैंने रूल बताया था माइनस वन के पावर एन। अब इसके बाद जरा देखिएगा, ये माइनस पाई बाई एन तो है लेकिन इसका वैल्यू माइनस वन के पावर एन होता है, और इसका वैल्यू जीरो होता है राइट। फिर देखिएगा यहाँ भी जीरो है तो समाप्त, इधर ये भी दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो ही होता है ठीक है ना। अब इसके बाद जरा देखते हैं इसका मेन टर्म क्या क्या बनेगा, जो इसके बाद क्लियर हो जाएगा पूरी कहानी, वन अपॉन पाई और यहाँ पे बचेगा, हालांकि एक काम तो कर सकते हैं पाई बाई एन हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो पाई बाई एन डायरेक्ट कॉमन करते हैं ठीक है, ज्यादा बढ़िया होगा, पाई बाई एन कॉमन कर दिया तो इसमें क्या बचा वन माइनस वन के पावर एन, इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये माइनस 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 वन के पावर एन। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों तो एक ही लग रहा है, दोनों क्या माइनस है, दोनों ऐड करते हैं, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो वन बाई एन और वन माइनस टू माइनस वन के पावर एन, ये हो गया कंप्लीट देख लीजिएगा। तो ये हो गया बी एन का वैल्यू वन बाई एन इंटू वन माइनस टू माइनस वन के पावर एन राइट। तो बी एन भी मैंने निकाल लिया, एन भी निकाल लिया, और ए नॉट भी निकाल लिया, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट करते हैं पूरी, तो ये आएगा फोरियर सीरीज का फॉर्म, तो जरा हम इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे में डायरेक्ट लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू
ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ ए एन इक्व टू वन टू इनफिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ ए एन इक्व टू वन टू इनफिनाइट बी एन साइन एन एक्स। अब इसमें ए नॉट का वैल्यू कितना है, ए नॉट का वैल्यू भी निकाले होंगे जो सभी ध्यान रखिएगा, माइनस पाई बाई टू आया है, माइनस पाई बाई टू, ए नॉट का वैल्यू माइनस पाई बाई टू याद कीजिएगा। और ए एन का ही वैल्यू जरा लिख देते हैं, ए एन का ही वैल्यू होगा, ए एन के वैल्यू का फॉर्म जो ध्यान में होगा माइनस वन के पावर एन माइनस वन पाई इंटू एन स्क्वायर, ए एन का वैल्यू माइनस, चलिए सभी वैल्यू मैंने पुट कर दिया ए एन का और ये बी एन का जो भी निकाला था और ए नॉट का। अब इसका पूरी कहानी बना लेते हैं, माइनस टू इंटू टू फोर, माइनस पाई बाई फोर। और यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्म के लिए कुछ हम टर्म अपनाते हैं जो ज़्यादा बढ़िया होगा और सुटेबल भी हो जाएगा। तो ज़रा देखिए हम किस तरह से टर्म को हम सेट करते हैं, वन अपॉन पाई तो हम बाहर कर देंगे राइट, और एन का वैल्यू एक बार यहाँ वन पुट करेंगे और एक बार इसमें और एक बार इसमें, देखिएगा कैसे कैसे, वन माइनस माइनस वन के पावर वन और यहाँ वन का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस, फिर देखिएगा इसी प्रकार से एक्स का वैल्यू एन का वैल्यू एक बार हम टू पुट करेंगे, माइनस वन के पावर टू यहाँ पे टू का स्क्वायर कॉस टू एक्स प्लस, इसी प्रकार से वन माइनस वन के पावर थ्री और यहाँ पे पुट करेंगे थ्री का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थ्री एक्स प्लस डॉट 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 डॉट, ये फर्स्ट का हो गया। फिर इसमें भी वैसा ही काम करेंगे, जरा देखिएगा काम क्या करेंगे कि एक बार हम यहाँ एन के स्थान पर वन यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, देखिएगा कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ भी पुट करेंगे वन माइनस टू माइनस वन के पावर वन बाई वन और कॉस साइन एक्स प्लस वन माइनस टू माइनस वन के पावर टू बाई टू और पुट करेंगे साइन टू एक्स प्लस वन माइनस टू और माइनस वन के पावर थ्री और यहाँ पे क्या है कि थ्री और साइन थ्री एक्स डॉट 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 डॉट, इस तरह का फंक्शन। अब इसके बाद ज़रा देखेंगे इसका कंप्लीट वैल्यू क्या क्या आएगा, वही आ जाएगा फोरियर सीरीज का फॉर्म। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट वन अपॉन पाई, इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी टू वाई वन का स्क्वायर कॉस एक्स, फिर देखिए माइनस तो यह आ जाएगा माइनस यानी प्लस माइनस वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, ये तो जीरो आ गया, जीरो कॉस टू एक्स यानी पूरा कहानी ही जीरो कर देगा, क्लियर कि जीरो से मिलाए जीरो ही आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू वाई थ्री स्क्वायर कॉस थ्री एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। फिर इसके बाद जरा देखिएगा इस फॉर्म में यहाँ पे का फॉर्म बना लेते हैं, देखिएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस थ्री बाई वन, थ्री वाई वन साइन एक्स प्लस, फिर देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस पे प्लस में आ जाएगा फिर माइनस टू, माइनस टू प्लस वन माइनस वन यानी माइनस वन वाई टू साइन टू एक्स, फिर देखिएगा प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 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 प्लस थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री साइन थ्री एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आगे माइनस में ही आएगा अगला फॉर्म। तो ये फंक्शन आ गया, देखिएगा कहीं डॉट ना हो जाए कहीं गलत ना हो जाए। तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं एकदम सुटेबल, लास्ट लाइन माइनस पाई बाई फोर वन अपॉन पाई यहाँ पे टू वाई वन स्क्वायर कॉस एक्स, ये तो समाप्त जीरो बचा क्या टू वाई थ्री स्क्वायर कॉस थ्री एक्स
प्लस डॉट 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 प्लस, फिर इसका भी देखेंगे 3y1 साइन एक्स माइनस 1y2 साइन 2x, 3y3 साइन 3x डॉट डॉट डॉट। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। फाइंड द फोरियर सीरीज, पहला क्वेश्चन यानी इसमें दो दो क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट टर्म का मैंने कंप्लीट आंसर लिख दिया है, क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, चलिए पहले तो नोट कर लीजिए उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स जो लिखा हुआ है इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकेंड, क्योंकि सेकेंड इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि इसको सोल्व करना है तो इसी के सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें हम एक लाइन दिखाना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो जरा कैसे है इसके बारे में, तो हम दो लाइन मिटा रहे हैं, दो लाइन के बाद ये लाइन हम रहने दें क्योंकि इसी का यूज करके हम इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा हम एक लाइन डिसकंटिन्यूअस का फॉर्म दिखाते हैं, लिखते हैं एफ एक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने इसको रहने दिया है, अब देखिए यहां लिखते हैं नाउ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पे क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूअस के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्म हम सेट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ जीरो माइनस जीरो का फंक्शन। अब जीरो माइनस जीरो का फंक्शन के लिए तो मेरा फंक्शन का फॉर्म तो ये हो जाएगा माइनस पाई, और एक राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन को सेट करते हैं तो एफ जीरो प्लस जीरो, और इसके लिए फंक्शन का टर्म क्या है एक्स, और एक्स के स्थान पर हम जीरो पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा जीरो का फंक्शन। अब अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक फंक्शन मैंने बनाया था, फंक्शन क्या बनाया था एफ एक्स बराबर हाफ, बोले थे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्म माइनस पाई और इसका फॉर्म जीरो, यानी ये फॉर्म आ गया माइनस पाई बाई टू का फॉर्म। तो माइनस पाई बाई टू का जो फॉर्म दिख रहा है ये कंडीशन एफ एक्स का है, जो एफ एक्स का हम यूज करेंगे अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो जरा इसको हम यूज करेंगे, जहां एफ एक्स रहेगा वहां लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू। अब कैसे लिखेंगे जरा हम इसको मिटारेंगे उसके बाद, इसको फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड में ही एक्स का वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे और जीरो पुट करने के बाद फंक्शन का टर्म मेरा सेट होगा, जिसमें से ये फॉर्म जो है ना एफ एक्स जो है ना यहाँ पे फंक्शन का लिखेंगे एक्स का ये जीरो के लिए, आखिर माइनस पाई और जीरो कब आया है जब एक्स एक्स का फंक्शन यहाँ कितना है जीरो, यानी जीरो के लिए ही फंक्शन मेरा माइनस पाई बाई टू आया है। तो हम यहाँ पे अब चलेंगे फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे क्योंकि ये प्रूफ करना है हमको, तो फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड पुट एक्स इक्वल टू जीरो, देखिएगा पुट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डायरेक्ट सामने देख लीजिए। अब एक्स इक्वल टू जब जीरो पुट करते हैं जीरो, यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई फोर और वन अपॉन पाई, यहाँ जो है ना जीरो पुट करते हैं तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, बचेगा टू वाई वन स्क्वायर। फिर देखिए कॉस जीरो का वैल्यू क्या टू वाई थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। फिर इसके बाद अब इधर तो सभी में क्या हो जाएगा साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो सभी का क्या आ जाएगा जीरो का फंक्शन, राइट। अब इसको हम मिटार देते हैं ज्यादा बढ़िया होगा। अब जब लास्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, एफ जीरो का वैल्यू मैंने कितना निकाला है माइनस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई फोर, और वो तो कहानी क्लियर हो जाएगा वन अपॉन पाई, और प्रत्येक में से दो कॉमन कर लेंगे, दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा वन वाई वन स्क्वायर वन वाई थ्री स्क्वायर, आगे का टर्म वन वाई फाइव स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अब ये जो है ये साइड में आएगा फंक्शन, तो माइनस पाई बाई टू है और प्लस पाई बाई फोर है, यहाँ पे बचेगा क्या टू बटा पाई का फंक्शन का फॉर्म। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या वन अपॉन वन स्क्वायर थ्री अपॉन वन अपॉन फाइव स्क्वायर डॉट 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 डॉट, क्लियर। इसको जरा मिटाते हैं उसके बाद हम आगे लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया होगा क्लियर भी हो जाएगा। चलिए नोट कर लिए नेक्स्ट। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे क्या
कि माइनस पाई बाई फोर, माइनस 90 और प्लस 45, तो माइनस पाई बाई फोर और इक्वल्स टू 2y पाई और 1y 1 स्क्वायर, 1y 3 स्क्वायर, 1y 5 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ये पाई जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये आएगा तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया है? एक चीज मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है क्या, कि यहाँ पे का जो सोल्यूशन है ना थोड़ा सा, और पहले से ही यहाँ पे माइनस में आना चाहिए था, माइनस का फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए था। तो कहीं देखिएगा सोल्यूशन करते समय देख लीजिएगा कि माइनस का फॉर्म कहाँ पे आएगा और उस माइनस का फॉर्म को थोड़ा सुधार करके सेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये फॉर्म जो है कैंसिल होगा और ये आ जाए क्या पाई स्क्वायर बाई एट और वन स्क्वायर, 1y 3 स्क्वायर, 1y 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो थोड़ा सा देखिएगा कहाँ पे मैंने माइनस छोड़ा है, कहाँ पे गलती कर दिया माइनस का, थोड़ा पता नहीं चल पाया तो थोड़ा देख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ पे मैंने गलती किया है माइनस का। और इसका प्रूफ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1y 1 स्क्वायर, 1y 3 स्क्वायर, 1y 5 स्क्वायर डॉट 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 और पाई स्क्वायर बाई 8। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से इसको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पे मैंने माइनस छोड़ा है, कहाँ पे गड़बड़ मैंने किया है, उस चीज को जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस टर्म का मैंने पूरा बेहतरीन क्लियर किया है। अब जो है ना इस पर एक क्वेश्चन देते हैं जो बनाइएगा घर से, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया होगा उसका आंसर के साथ, इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैंने फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैंने दो क्वेश्चन दिया है और दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने सामने दे दिया है, तो दोनों क्वेश्चन बनाइएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी बोलिएगा ताकि दोनों क्वेश्चन का हम सोल्यूशन नए वीडियो में हम कर सके। क्लियर, अगर बन जाएगा तो भी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि मेरा बन चुका है और पूरा क्लियर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ रेंज फॉर फोरियर सीरीज के बारे में बताएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज का ही नेक्स्ट लेसन है जो हाफ रेंज फोरियर सीरीज का फॉर्म है, तो वो हाफ रेंज कोसाइन, हाफ रेंज साइन, ये सभी का रूल बेहतरीन थ्योरी के साथ हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए आप लोग फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस इस तरह से अनेक टॉपिक जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसको प्लेलिस्ट में हम बना करके उसको सेट कर दिए, उसको अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी हाफ रेंज फोरियर सीरीज का मेन कंडीशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स का पूरा बेस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।